वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है और अब स्टार्टिंग किचन से ही होती है एज यूजुअल मम्मियों की। तो मैंने बच्चों के लिए पोहा बनाया है, देखो यमी यमी पोहा है ना, बच्चों को पोहा बहुत पसंद है तो मैंने पोहा बनाया है। और हाँ, एक स्पेशल ड्रिंक दिखाती हूँ आपको, ये है कावा। ये सर्दियों में पीते हैं और ये कश्मीर की स्पेशलिटी है। जब हम कश्मीर गए थे हमने डेली पिया था। इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। और इतनी हेल्दी ड्रिंक है ना, चाय कॉफी सबसे दूर हटके कावा। बट ये सर्दियों में ही पिया जाता है, कश्मीर में ठंड रहती है तो हम लोग रेगुलर पीते हैं, लेकिन ये सर्दियों में पिया जाता है। इसमें मेवा केसर पता नहीं कितनी कितनी आइटम होती है, बहुत अच्छी ड्रिंक है, आप लोग भी ट्राई करना। तो चलो मैं पापा के लिए कावा बना देती हूँ, बच्चों को पोहा दे देती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मेरी किचन फिर से बहुत ज्यादा फैल रही है, मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कमाल दिखाती हूँ। जिन्हें को चाहिए था पेन स्टैंड और वो कहाँ चढ़ी हुई है मैं आपको खाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो जिनी कहाँ चढ़ गई है, पहली बार शायद स्टेयर पे चढ़ी होगी क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और मैंने कहा था मैं नहीं चढ़ूंगी। और चढ़ो मोनिका उससे कह रही है और चढ़ो चढ़ो। देखो फ्रेंड्स कितना डरते हैं आजकल के बच्चे कोई भी एक्टिविटी करने से पहले। देखो देखो स्टेयर पे चढ़ने से डर रही है ऊपर ना। तो जिनी आप क्या सर्च कर रहे हैं ऊपर, एक बात बताओ बच्चों, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ऐसे चढ़े चढ़े पेन स्टैंड मिल जाएगा या सर्चिंग करनी पड़ेगी? नहीं है, ऐसे सर्चिंग नहीं होती। जिन्हें नीचे देखो, नीचे वो जो रखी हुई है हैंडमेड शीट, उसके पीछे देखो कोई है या नहीं है। हटा के थोड़ा बहुत सामान देखा जाए तो आपको शायद कुछ मिल जाए। नहीं मिला होती है या नहीं होती है। उसे डर लग रहा है, किस चीज का रिमोट है? पटाखे वाली सामने वाले अंकल कितनी बुरी तरह डरे थे। पता है जब हम लोग नीचे एक दिन बर्थडे शादी थी का, हम लोग बैलून फोड़ रहे थे तो सामने वाली आंटी आ गई और डर गई कि ये बम ब्लास्ट हो गया, क्या हो गया है। तो जिन्हें जल्दी से ढूंढो क्लास है आप लोगों की, उसे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे ही चढ़ना पड़ेगा। तो फाइनली बच्चों मैं ये कैमरा ऑफ कर रही हूँ, वो चढ़ने के लिए तैयार है। तो बच्चों कोई गिर जाए इससे पहले मैं कैमरा ऑफ करती हूँ और मैं इनको पेन स्टैंड देती हूँ। अब वो उतरे कैसे, उतर उतर, मैं इस उतरना भी दिखाती हूँ कैसे उतरेगी। तो यहाँ ध्वनि भी चढ़ गई है, तो आपको कुछ ध्वनि मिल जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चों की मस्ती चल रही है, आपकी क्लास का टाइम नहीं हुआ? भागो, मैं तेरे को पेन स्टैंड ढूंढ के देती हूँ, निकम्मे बच्चे हैं। चलो चलो तुम भी पेन स्टैंड नहीं मिल रहा ना, ये लो फ्रेंड्स, ये मम्मी का है, ये इसको मैं निकाल। जिन्नी ये क्या हो रहा है, ये चलो नहीं निकाल रही, मैंने खराब कर दिया। हाँ ले, कहते खराब कर दिया था, ले 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 ले, मुझे नया निकाल के देना। मार्केट, मार्केट इन्हें बहाना चाहिए मार्केट से शॉपिंग करने का, देख रहे हो बच्चों? है फ्रेंड्स, पेंसिल पाउच चाहिए बेटा, और लिस्ट बना लो क्या क्या डिमांड है आपकी। बना ली मैंने बर्थडे के लिए, है बर्थडे की लिस्ट बना। मैं बर्थडे की नहीं बोल रही अभी, जैसे पेन स्टैंड मोनिका को ही पता है। तो चलो बाय बाय, हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे मम्मी चढ़ चुकी है, क्लास ले ले क्लास, फाइनली मम्मी यहाँ पे चढ़ चुकी है। देखा क्लास छोड़ रहे लड़की, तो देखते हैं पेन स्टैंड मिलता है या नहीं मिलता है। बेटा क्लास ले लो, चाहे टाइम हो गया। ड्रामी मैम क्या होती है, मैम कहते हो लैपटॉप में से आके डंडे मार रही है। जल्दी से लो, अब मुझे बंदी करनी पड़ेगी अलमारी, अदरवाइज ये बच्चे क्लास क्लास लेंगे नहीं, मस्ती ही मारते रहेंगे। बुढ़िया सीढ़ी पकड़, मैं कभी मैं ही गिर जाऊं, मेरा ही काम हो जाए। चलो ध्वनि क्लास लो चल के, फ्रेंड्स भी सोचेंगे कि ध्वनि पढ़ती है नहीं पढ़ती। चलो जल्दी मैं दिलाती हूँ क्लास। ओ फ्रेंड्स बच्चों का ब्रेक चल रहा है और वो ऊपर छत पे मस्ती मार रहे हैं, जरा मैं देख कर आऊं कर क्या रहे हैं। चलो आप भी मेरे साथ चलो, देखते हैं क्या कर रहे हैं ये बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी क्या हो रहा है यहाँ पे, डांस चल रहा है, डांस चल रहा है।
मुझे पता था कुछ ना कुछ बेवकूफियां चल रही है, इसलिए मैं कैमरा लेकर ऊपर आ गई। मैं काम कर रही थी फिर भी तुम्हारी आवाजें आ रही थी, मैं इसलिए तुम्हें देखने आई। क्या क्या रहे हो तुम ना अभी यहाँ पे शॉर्ट्स में जो आजकल ट्रेंडिंग में कच्चा बादाम चल रहा है ना, और कोई गाना ही नहीं है। मोनिका झाड़ू लगाते लगाते इनके साथ डांस में मस्त हो जाती है। चलो कंटिन्यू, तुम लोग डांस करो, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे। और बेटा 5 मिनट्स बाद क्लास भी शुरू होने वाली है। देख रहे हो बच्चों, ध्वनि को देख रहे हो, ध्वनि को देख रहे हो। तो कंप्यूटर क्लास है तो आप कंप्यूटर, आप पापा का नाम डुबोगी ध्वनि कंप्यूटर पे। पापा कहेंगे मेरी बेटी ने मेरी नाक कटवा दी। कैसे नाक कटवा दी? पापा सुपर वो खाओ, पापा कंप्यूटर के चैंपियन है। और तुम तो है। हाँ तो फिर नाक तो सुपर नहीं, नहीं वो पापा की भी नाक कट जाएगी अगर ध्वनि कंप्यूटर की क्लास नहीं लेगी। वही हद हो गई इन बच्चों की। बच्चों आप भी ऐसी अपनी मम्मी को तंग करते हो क्लासेस लेने में? हाँ कर। देखो इसको कोई ना कोई क्लास छोड़नी ही छोड़नी है, वो सुबह से ही उसने रट लगा रखी है। तो बच्चों आप भी ऐसी तंग करते हो अपनी मम्मी को, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। और करते हो तो बिल्कुल मत करना वरना आंटी गुस्सा हो जाएगी, जैसे इन बच्चों से हो रही है। तो चलो मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। देखो मम्मी को फ्रेंड्स कुछ भी नहीं पता यहाँ पे क्या होता है कैसे होता है। अच्छा तू पौधों में पानी देती होगी? हाँ। अच्छा पौधों में पानी देना बहुत जरूरी होता है बच्चों, आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता। वहाँ देखो ध्वनि खेल रही है अपना डॉल से। ध्वनि क्या खेल रहे हो आप? आंटी को भी लगा लिया बताओ। चल कर और क्या, कम से नहीं 50 नहीं, कम से कम 250। ओ बाप रे, एक ही बारी में जल्दी से। हाँ 50 हो गई है ना, 10 में 50 हो गई तेरी। चल कर जल्दी 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 कर। देखो फ्रेंड रस्सी कूदने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि 200 करनी है। तो ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। चलो मैं अपने कामों में लगती हूँ। ध्वनि लाओ मैं आपका बैग लगा दूँ। मम्मी ये तो मेरा बुरी बुक का। हाँ हाँ रंगोली पे पेज नंबर 84 एंड 85 रीड कर आना है। कछुए की और खरगोश वाली कहानी पढ़कर आनी है, एक एक नया नया वर्ड। ओके बच्चों यार ध्वनि ट्यूशन जा रही है और मैं उसका बैग पैक करा रही हूं। आज कितने महीनों के बाद ध्वनि ट्यूशन जा रही है? हाँ बहुत टाइम बाद जा रही है क्योंकि अब कोरोना धीरे धीरे कम हो गया है, ओमिक्रोन का इफेक्ट। तो मैं इसको भेज रही हूँ, वैसे तो यहीं जाती है पास में ही, बट मैं भेजती रहती थी। देखा देखा कुछ ना कुछ घुसुर घुसुर मम्मी से डिमांड के वे में होती रहती है। मैंने अपनी दूसरी क्लास की मम्मी से पूछा। अच्छा ध्वनि अब आप ये रखो, मैथ्स रख लो। मैथ्स नहीं करोगे? मनी का चैप्टर करना ठीक है, मनी पढ़ना। ट्यूशन की तीनों कॉपी रख ली। ध्वनि मनी का चार्ट हमने सिखाए थे अपने फ्रेंड्स को। तो इंग्लिश की नोटबुक रख के लेके जाओ आप अपनी। इंग्लिश में द मंकी वाला चैप्टर करना है। कौन सा है? द नॉटी मंकी। अरे उसमें ध्वनि का नाम लिखा होगा। द नॉटी मंकी के न्यू वर्ड सारे लर्न कर कराओगे आज ठीक है। हाँ उसका फ्राइडे को टेस्ट है। फ्रेंड्स देख रहे हो उसकी पेंसिल पाउच में कितनी सारी पेंसिल्स है, कितना सारा सामान रखा हुआ है। देखो यहाँ पे मेरा सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का है, यहाँ पे मेरी सारी पेंसिल्स है और इसमें इरेजर। और ये फेविस्टिक क्यों जा रही है? अगर मम्मी पेज फट गया तो चिपकाना भी तो पड़ेगा ना। वही देखा। तो चलो अब इसका बैग लग गया, मैं इसे ट्यूशन छोड़कर आती हूँ। मैं शॉल ले लूँ अपने लिए? ले लो। तो फ्रेंड्स रात हो गई है, ध्वनि सो गई है क्योंकि वो इतने टाइम बाद जो ट्यूशन गई है। और पापा भी घर आ गए हैं और पापा की चल रही है अंदर कॉल, इसलिए गेट बंद है। और मम्मी कर रही है किचन में काम। और आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन रहा है कुछ। मम्मी क्या बना रहे हो आप?
मैं बना रही हूँ उनके लिए आलू की चाट जिसमें इन्होंने फंसा दिया। देखो बच्चों कितने सारे आलू हैं, जिसकी मुझे आज आलू की चाट बनानी है, क्योंकि इसको और इसके पापा को और ध्वनि को, तीनों को ही आलू की चाट। और ध्वनि को भी तो उठाना पड़ेगा आलू की चाट। वो सो गई आज, बहुत टाइम बाद ट्यूशन गई है ना, तो वो बेचारी लिख लिख के थक गई होगी और रीड करते करते थक गई होगी। कोई नहीं, मैं उठाती हूँ उसको, जैसे तैसे करके मैं उठाती हूँ, ट्राई करती हूँ उसको उठाने की। पहले बना तो लूँ, बना लूँ मैं, नहीं बनाऊँ? चलो आप बना लो। चल मम्मी बन गई आलू की चाट। मैं कर जाऊँ उस पे जाके? बहुत तेज भूख लग रही है फ्रेंड, मतलब इतना लेट हो गया है ना आज। खाले मतलब हद है, सुबह से कुछ ना कुछ खा ही रहे हो जी। अब बना रही हूँ आलू की चाट, बनने में टाइम तो लगता है ना बेटा, मैं दे रही हूँ, बस बनने वाली है, लग तो रही है क्रिस्पी हो गई। खरारी 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 खरारी। तो चलो हम आलू की चाट बहुत ज्यादा करारी लग रही है फ्रेंड, सच बता रही हूँ मैं, मतलब मुंह में पानी आ रहा है मेरे। कोई नहीं, बस अब मसाला डालती हूँ और बना। मसाला भी डालना है? बिना मसाले के खा लेगी? नहीं वो तो, वो तो नहीं खा पाऊंगी। तो फिर एक मिनट तो रुक जा। और ध्वनि मैडम उठी नहीं? उठी नहीं। अरे ये बड़ा दिक्कत है अभी, मैं पता है जैसे ही टीवी चलाऊंगी ना वो बेचारी उठ जाएगी। हाँ बस उस बच्चे को तो परेशान करती रहा कर। नहीं उठा देते हैं ना, दिखा भी लेगी। हाँ भी उठाते हैं, पहले तू और पापा खाओ, फिर उसका प्रोजेक्ट मैं करूंगी कंप्लीट ना, उठाने का। अच्छा मुझे लगा कि ध्वनि का कोई स्कूल का असाइनमेंट है। मुझे यही लगा था, तेरे अंदर जितना दिमाग होगा उतनी बात करेगी ना। फ्रेंड चलो दिमाग तो है। तो चलो मैंने इसमें चाट मसाला आपके लिए डाल दिया है, मैं नींबू डाल देती हूँ क्योंकि आप दोनों को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पापा और जी ने सिर्फ नींबू और चाट मसाला वाली आलू की चाट खा। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी आलू की चाट पसंद है, चटनी वाली, ग्रीन चटनी वाली या इमली की चटनी वाली। मुझे तो इमली की चटनी वाली बहुत पसंद है, मैं अपनी बनाऊंगी इमली की चटनी वाली, वो आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाऊंगी वो। तो कैसी बनी आलू की चाट? सही है, अगर मैं मसाला डालता तो और बढ़िया होती। तो डाल लो अभी भी मसाला। नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी तुम्हारे हाथ के खाने में भी मजा आई जाता है। कभी कभी, रोज ही मेरे हाथ का खाते हो, हद होती है झूठ बोलने की। जिन्हें तू बता, मैं मम्मी के हाथ का ना सिर्फ खाना खाता हूँ, मैं फिर से क्लियर कर दूँ ये बात, मम्मी के हाथ का मैं और कुछ नहीं खाता। जिन्हें कैसी लगी तू बता। मतलब अच्छा नहीं है, अच्छी है। जिन्हें तो आलू की चाट खा के आलू जैसी होती जा रही है, गोल मटोल। तो चलो आप लोग खा आलू की चाट। उस ध्वनि का क्या करना है? अभी मैं खा लूं, अगर बच गई तो उसे भी जगा लेंगे। बच गया कहीं, मैं तो उस बच्चे के लिए और बना दूंगी, अपने बच्चे को धोखा सुलाऊंगी। तो पहले मैं खा लूं, फिर तो गोद में लेकर मैं जगा लूंगा। ठीक है पक्का? चलो इतने मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि वो क्रैंकी होगी उठते ही, है ना। चलो मैं बनाती हूँ, आप लोग खाओ फिर मैं भी खाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी ध्वनि को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है पर वो उठ नहीं रही है। ध्वनि उठ गए? उठ जा बेटा। अरे अंगूठा मत ले, फ्रेंड्स देख रहे हैं। ध्वनि ध्वनि देख, फ्रेंड्स देख रहे हैं। अंगूठा मत ले, देख 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 देख। तो फ्रेंड्स ध्वनि सोते टाइम अंगूठा लेती है और ये उठ गई है, और मेरे को अब इसको खाना खिलाना है क्योंकि इसने कुछ नहीं खाया ट्यूशन से आने के बाद, और जिन्ही का भी टमी फुल करना है। और ये रही ध्वनि और जिन्ही की आलू की चाट, और मुझे बहुत सारी आलू की चाट अभी और बनानी है। अपनी आलू की चाट की रेसिपी मैं आपको फिर कभी बाद में बताऊंगी। तो ध्वनि जल्दी से उठे। तो फ्रेंड्स जब तक ध्वनि को हम उठा रहे हैं तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्यूट सिस्टर व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो। हाँ और ये वाला व्लॉग हम यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि ध्वनि को खिलाना बहुत जरूरी है ना, उसकी टमी में अगर भूखी भूखी रहेगी तो फिर वो रात को रोएगी ना, मेरे को परेशान करेगी। तो चलो हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।